एक बहन थी बहुत डिप्रेशन में चली गई, इतनी डिप्रेशन अभी वो रास्ते में चलती है ना उसको लगता है पीछे से कोई धक्का दे रहा है। रो रो के बेहाल हर संस्था में घूम के आ गई, कहीं समाधान नहीं मिली। आखिर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके पहुंची, उसी दिन में आया था भट्टी करा। तो मेहंदी ने कहा मधुबन से आया रमेश भाई मिल लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बहन जी क्या प्रॉब्लम है, इतना रो क्यों रहे हो? बोला भाई साहब मैं चल जैसी चलती हूँ ना मुझे लगता है पीछे से कोई धक्का मार रहा है, डर लगता है, टेंशन है। हाँ चेहरा बेगा मैंने एक्शन कर रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। बोला नहीं मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड कर लिया। मैंने कहा वो अलग है, ये करके देखो थोड़ा लास्ट में। बोला ठीक है आखिर मैं कर लेती हूँ। तो किया उसने अटेंड, लेकिन उससे पहले मैंने उनको पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है। बोला हमारे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन घर में अकेली रहती हूँ, हमारे पति चले जाते हैं, अभी भी नई शादी हुई है और घर में कभी नहीं रहते, सांस है लेकिन वो भी चली जाती है, इसलिए मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरी करती क्या हो घर में रह के, खाना बनाती हूँ। मैंने कहा और क्या करते हो? टीवी देखती हूँ। अच्छा टीवी में क्या देखते हो? बस हॉरर पिक्चर देखता था, वो मुझे पसंद था, और जो न्यूज है ना क्राइम न्यूज वो सब देखता था। आजकल फिल्म वाले भी चैलेंज लगाते हैं कि थिएटर में अकेले बैठ के देखोगे ना भूत की फिल्म तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, क्योंकि तो सभी छोड़ देते हैं। क्योंकि अकेले बैठना संगठन में बैठना बहुत फर्क पड़ता है, हाँ या ना? इसलिए बाबा कहते हैं संगठन में रहना जरूरी है। तो जो मैं अकेले बैठ के वो टीवी देखती रही अंतर मन पूछ रहा क्या चाहिए, पर्दा हिल रहा है लगता है कोई जा रहा है। भाई जो फिल्म शूटिंग करते हैं क्या प्रैक्टिस तो होता नहीं है, मतलब कैमरा को सिर्फ ऐसे घुमाएंगे पीछे साउंड आ रहा पता या नहीं। ये सब हम जो टीवी में देखते हैं लाइट और साउंड से हम सब अपने अंदर भरते जा रहे हैं, वही तो हमारे जीवन में घटेगा। एक फिल्म डायरेक्टर हैदराबाद में मुझे मिले, बोला मेरे सारे फिल्म फ्लॉप चलता है क्या करूं, सफलता नहीं मिल रही है। मैंने कहा आप जो कैमरे में शूटिंग करते हो ना वही पर्दे में दिखाते हो, हाँ या ना? तो हमारी आंखों की कैमरा ये जो हम देखेंगे हमारे जीवन में वही, तो क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? नहीं थोड़ा सा तो सीरियल देख लूं। एक जगह पे गया, माता जी कहती है हमारी बेटी बहुत अच्छी है, ये तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है, ज्ञान भी बहुत अच्छी लगते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई तो नंबर 1। मेरे कहा तो गई कहां, बोला इस समय हम उसको कुछ नहीं बोलते, टीवी में एक सीरियल आता है वो सब कुछ छोड़ देगी लेकिन टीवी नहीं छोड़ सकती, एक घंटे के लिए हम उसको छुट्टी दे देते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छी। आप देखेंगे कभी टीवी में टीवी देख रहे हो सामने से बड़ा पर्दा लगा हुआ है, रावण सीता हमारा मामा ये करते या नहीं, द्वापर से बिगाड़ बिगाड़ के चेहरा कितना बिगाड़ होगा। आज कलयुग में जितने भी टीवी में आ रही है जितने भी वो कोई कहता है भाई साहब हम रामायण देख रहे हैं महाभारत वो गणेश वो आज जितने भी लोग बना रहे हैं वो क्या दिव्य वृत्ति वाले हैं या विकार वृत्ति वाले हैं, और जो भी परसेंगे किस तरीके से परसेंगे, देवी देवताओं को कैसे कपड़े कितने कपड़े पहनाते हैं, संपन्न देवी देवताएं जो चरित्रवान हैं, चलो वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर वो अपने सिचुएशन, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? इन आंखों को इतना दी, वो तो एक एक एपिसोड चला था ना, वो क्या बोलते हैं सांस कभी कोई सीरियल था, हाँ वो अभी पवित्र रिश्ता तो पवित्र है लेकिन अंदर क्या है। आप देखो कोई भी सिचुएशन देख रहे हो उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी? हमारी। क्यों बोल रहे हो? आप कभी टीवी देखते हैं ना वो स्टोरी जो है ना आपको पहले से पता चल जाता है, जिसको स्टोरी पहले से पता चलता है उठा। देखो आप बोल नहीं रहे हो पाते लेकिन मुझे पता है ये जो अभी उसने गाली दिया ना चोरी किया ये नहीं था, वो जो पीछे आएगा ना उन लोगों को
तो वो हमारी अंदर मन पूछ रहा है क्या चाहिए, नहीं ये घटना ये जो चोरी और ये सब कर रहे हैं तो मेरे जीवन में भी वही घटने वाला है, हाँ या ना। तो अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हो आपस में बात ना करें, अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो आंखों को दिव्य बनाना है, ठीक है। बोलो कोई बात नहीं करें आपस में, अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो मुझे अपनी आंखों को दिव्य बनाना, अच्छा अच्छा देखना है, नेगेटिव चीजों को नहीं देखना, न्यूज़पेपर अनेक सारी बातें अनेक किताबें देखना तो अच्छा देखना है, देखना तो सदगुणों को देखना है, पक्का। तो देखो आपकी आंखों से जिस समय आप किरण दोगे बादल को दो शांत हो जाएंगे, बादल को दो बरस जाएंगे, तूफान को दो रुक जाएंगे, तूफान को दो आ जाएंगे, आपके लिए आप जिस स्थान पर पहुंचोगे मौसम आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छा देखा है, आप जिसको आह्वान करोगे इन आंखों द्वारा दूर होके वो आ जाएगा, पक्का करेंगे। मुझे तपस्या करनी है, मुझे तपस्या करनी है, मुझे अच्छा देखना है, और आंखों की बात क्या आता है और भी उसकी विस्तार है, आप चिंतन करना, अगर आंखों की बात लेंगे तो 8 बजेगा, अभी दूसरी बात करते हैं, आंखों की बात क्या आता है।